नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में मैं आपको हमारे पेशेंट की लाइफ की एक स्टोरी बताने वाला हूँ। भारत होम्योपैथी में 33 साल की उर्मिला जी आई थी। उन्होंने बताया कि जब वो भारत होम्योपैथी में आई थी तो उन्हें कुछ दिन पहले से उनकी उंगलियों में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता था। जब वो ऑफिस में लैपटॉप पर काम करती थी, सिस्टम पर काम करती थी, तो उनकी उंगलियों में अचानक से दर्द होने लगा। उन्होंने शुरुआत के समय में इसको नज़रअंदाज करा, लेकिन आगे ये दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उस समय उनके उंगलियों में उन्हें सूजन भी दिखाई देने लगी धीरे धीरे, और बहुत ज़्यादा स्टिफनेस, अकड़न भी आने लग गई थी उनकी उंगलियों में। और इस प्रॉब्लम को वो लंबे समय तक फेस कर रही थी, लेकिन उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया। घर पर कुछ होम रेमेडीज अप्लाई करी, लेकिन असर नहीं हुआ। तो उसके बाद वो भारत होम्योपैथी में आई। तो ऐसे ही कई पेशेंट हैं जिनके मन में ये सवाल चल रहे होते हैं जब उनकी हड्डियों में दर्द होता है या उनके ज्वाइंट में पेन होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ कारण बताने वाला हूं जिनकी वजह से किसी भी व्यक्ति के ज्वाइंट में पेन हो सकता है या यूं कहें हड्डियों में दर्द हो सकता है। तो सबसे पहला जो बहुत ही कॉमन कारण होता है वो होता है या तो किसी वजह से चोट लग जाए, या फिर आप चल रहे हैं कोई मोच आ जाए जिसको मेडिकल लैंग्वेज में लिगामेंट इंजरी भी कहा जाता है, या फिर किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाए या एक्सीडेंट की वजह से उनको कोई चोट लग जाए। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से ज्वाइंट में पेन हो सकता है या हड्डियों में दर्द हो सकता है। नंबर टू कारण की बात करें जो कि उम्र के साथ आने वाला गठिया होता है, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। जब किसी व्यक्ति की उम्र 50 से ज्यादा हो जाती है तो जो उनके ज्वाइंट्स के बीच में कार्टिलेज टिश्यू होता है वो घिसने लग जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो हड्डियां होती हैं वो आपस में टकराने लगती हैं, रगड़न होने लगती है और उनके ज्वाइंट में पेन बढ़ जाता है। तो दूसरा कारण होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसी तरीके से तीसरा कारण जो देखने को मिलता है वो होता है ज्वाइंट में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का स्टोर हो जाना। यानी जब आपके ज्वाइंट में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स स्टोर होने लग जाते हैं, जिसे गाउट कहा जाता है, तो इस वजह से भी हमें पेशेंट्स के ज्वाइंट्स में पेन देखने को मिलता है। इसकी शुरुआत अक्सर पैर की छोटी उंगलियों से होती है या अंगूठे से होती है। इसके बाद जो अगला कारण देखने को मिलता है वो होता है आरए, यानी रेमेटॉइड अर्थराइटिस। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसे उर्मिला जी भी फेस कर रही है। जी हाँ, इसकी शुरुआत आपकी छोटे छोटे ज्वाइंट से होती है, उंगलियों से होती है। इसमें आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर आपके ज्वाइंट के आसपास एक मैम्ब्रेन होती है, साइनोवल मैम्ब्रेन, जो एक फ्लूड बनाती है। साइनोवल फ्लूड जो इस मैम्ब्रेन के अंदर स्टोर होता है, ये आपकी ज्वाइंट की मूवमेंट को ईजी बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन रेमेटॉइड अर्थराइटिस में आपका इम्यून सिस्टम ही इस मैम्ब्रेन को डैमेज पहुंचाता है, इस फ्लूड को डैमेज पहुंचाता है, और रिजल्ट क्या होता है, आपके जोड़ों में दर्द बनना शुरू हो जाता है, उनमें सूजन आ जाती है, उनमें अकड़न आ जाती है, जो कि उर्मिला जी ने फेस करा। तो एक कारण ये होता है। और इसके साथ साथ कई बार जोड़ों में पस जम जाती है, पस बन जाती है, तो इस वजह से भी पेशेंट को जोड़ों में दर्द महसूस करना पड़ता है। ये तो कुछ कारण थे जिनकी वजह से पेशेंट को जोड़ों में दर्द महसूस करना पड़ता है। इसको डायग्नोस करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ मेडिकल टेस्ट बताए जाते हैं, जैसे कि आपका एक्सरे हो गया, कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं जिनसे पता लगता है कि शरीर में कहीं विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं है, या फिर कैल्शियम की कमी तो नहीं है, या फिर आप आरए पॉजिटिव तो नहीं है, या फिर सिटी स्कैन कराने के लिए कहा जाता है। इन टेस्टों की मदद से डॉक्टर डायग्नोस कर पाते हैं कि आपको किस वजह से जोड़ों में दर्द महसूस हो रहा है। अगर आपकी रिपोर्ट्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आप कितना ही कैल्शियम खा लें, आपके जोड़ों में दर्द बना रहेगा, हड्डियां कमजोर रहेंगी और आपको इस पेन को फेस करना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको विटामिन डी के डेफिशिएंसी को फुलफिल करना होता है। अगर आपके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा भी कम है तो इस सिनेरियो में भी हमें जोड़ों में दर्द देखने को मिलता है। तो अगर आप इनमें से किसी भी कारण को फेस कर रहे हैं या आपको लगता है आपके जोड़ों में दर्द होने का इनमें से कोई कारण है, तो तुरंत ही डॉक्टर से मिलें, डायग्नोस करवाएं बीमारी को और तुरंत ही इसका इलाज शुरू करवाएं। भारत होम्योपैथी में जोड़ों के दर्द से संबंधित हर बीमारी का इलाज किया जाता है। यहाँ पर आपको कस्टमाइज्ड मेडिसिन दी जाती हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं। अगर आपकी बीमारी का, आपके जोड़ों के दर्द का रूट कॉज अलग है तो दवाइयां सेम नहीं हो सकती।
सब पेशेंट की दवाइयाँ अलग होती हैं, उनके बिहेवियर को देखते हुए, उनके शरीर में आने वाले सिम्टम्स को देखते हुए, उनके शरीर में जो ये प्रॉब्लम बनी है किस कारण की वजह से बनी है उसको देखते हुए दवाइयाँ अलग होती हैं, और इसी वजह से पेशेंट के रिकवरी के रिज़ल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर आप भी जोड़ों के दर्द को फेस कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि जोड़ों में दर्द क्यों होता है, किन कारणों की वजह से होता है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो आप इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।